चैप्टर वन है, हेडिंग डालो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें हर चीज कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी दोनों चीजें क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। बात समझ में आ गई थी आप लोगों को? तो सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी और कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्मली रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में। एक बात समझ में आ जाती है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस बन जाएगा क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, और शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कॉम्पोनेंट्स क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कॉम्पोनेंट्स, लिखेंगे द सब्सटेंस विच मेक, कॉम्पोनेंट्स में क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच मेक द सॉल्यूशन नोन एज कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कॉम्पोनेंट्स ना, बेसिकली एक कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है सॉल्यूट और एक कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है, मुझे बताओ सॉल्यूट क्या होता है, पहली नजर में सॉल्यूट क्या है? हाँ जी बताओ। देखिए अमाउंट्स पे देखे तो ज्यादातर ये बात सही होती है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, सॉल्यूट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होगा जो घुलेगा, जो डिसॉल्व होगा। लाइक शुगर है, शुगर मैंने ले ली 5 किलो और चीनी लिया सिर्फ 1 लीटर, तो अमाउंट किसका ज्यादा है? नहीं नहीं यही तो गलती है ना तुम्हारी, अमाउंट किसका ज्यादा है? शुगर का अमाउंट ज्यादा है। इस हिसाब से शुगर तो सॉल्वेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन में जो अमाउंट में कम है उसी को आप सॉल्यूट बोलो। सॉल्यूट वो होगा जो डिसॉल्व होगा, जो घुलेगा या जिसकी जिसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। जैसे सॉलिड पहले किस स्टेट में था, शुगर किस स्टेट में था, जब उसे डिसॉल्व किया तो एक्वा स्टेट में चला गया, तो वो क्या है, सॉल्यूट। कोई फर्क नहीं पड़ता अमाउंट कितना है या कितना नहीं है। जैसे चाशनी बनानी होती है तो उसमें हम पानी ज्यादा डालते हैं या चीनी ज्यादा डालते हैं? चीनी, तो अमाउंट तो बराबर कैसे डालेगा? अगर बराबर डालेगा तो वो गाढ़ा नहीं होगा, चिपचिपाहट नहीं आएगी उसके अंदर, जलेबी के अंदर से मिठास कम आएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो अमाउंट भी एक मैटर है और डिसॉल्व कौन हो रहा है ये भी एक मैटर है। लॉजिक समझ में आ गया? क्या समझ में आया? सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। बात समझ में आ गई? लिखेंगे सॉल्यूट इज द कॉम्पोनेंट, सॉल्यूट इज द कॉम्पोनेंट विच कैन बी डिसॉल्व, विच कैन बी डिसॉल्व इन अदर कॉम्पोनेंट। और दूसरा क्या है भाई? सॉल्वेंट। लिखेंगे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में लिखना द कॉम्पोनेंट इन विच डाइसोल्यूशन टेक प्लेस, द कॉम्पोनेंट इन विच डाइसोल्यूशन टेक प्लेस। डाइसोल्यूशन क्या होता है? घुलना, जिसके अंदर मिलावट होगी। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन समझते हैं आप लोग? आज बेसिक बेसिक करा रहा हूं, ज्यादा लोड नहीं लेना यार, पहला दिन है, अप्रैल फुल, समझ रहे हो, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर ही नहीं था। तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ के आए हो, तुम में से कौन कौन पढ़ के आया था सॉलिड स्टेट? एक सॉलिड स्टेट पढ़ा था, प्रैंक हो गया, तुमने सिलेबस नहीं देखा होगा ना, अच्छा तुम्हें पता ही नहीं था कि सिलेबस है क्या, अब बस ये खुश हो रहे थे भाई 12th क्लास में आ गए, अब मजे आएंगे। वैसे बताऊं 12th ना आसान है 11th से, क्योंकि देखो टाइम ज्यादा मिलेगा और चीजें हैं बहुत कम। क्या पढ़ रहे हैं हम, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये पढ़ने की चीज है। मोल कंसेप्ट याद आ रहा है कुछ कुछ आत्मा बाहर आ जाती थी उसके नाम से, तो 4 फॉर्मूले थे, उन्होंने दिमाग खराब कर रखा था। खैर चलिए आगे चलते हैं। शुगर सॉल्यूशन के अंदर मुझे बताइए शुगर क्या है बच्चे? लिखेंगे शुगर इज सॉल्यूट, फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सॉल्यूट, और समझ गए ना तुम। और दूसरी चीज क्या है? वाटर, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है जी, समझ आ गया, कर लोगे। अच्छा प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर दो कॉम्पोनेंट होंगे, वेरी गुड। लिखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन टू कॉम्पोनेंट, वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। एक कॉम्पोनेंट उसका सॉल्यूट होगा, दूसरा कॉम्पोनेंट उसका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब यहां पे देखिए आप बड़ी अच्छे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये सॉल्वेंट का कलर था, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाला, कलर चेंज हो गया,
ठीक है। अब ये देखिए, सॉल्वेंट पहले किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में, और जो सॉल्यूशन है वो भी किस स्टेट में है? ये बताओ, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज? किस किस फिजिकल स्टेट में चेंज आया? और ये कब होता है? जब ये सॉलिड स्टेट में होता है। मैं और समझाऊंगा तुम्हें डिटेल में, आगे चलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स? अगर मान लो किसी के अंदर, अच्छा ये बताओ, घर में जो सिकंजी बनाते हैं हम, उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सिकंजी में क्या क्या डालते हैं? दो ही होते हैं। क्या क्या डाला? शुगर, तीन चीजें हो गई ना। तो शुगर और सॉल्ट क्या है उसमें? सॉल्यूट। और वाटर क्या है? इसका मतलब कितने कंपोनेंट्स हो गए? तीन। तीन कंपोनेंट्स को, ये बाइनरी समझ में आ गया ना, बाइनरी इज टू कंपोनेंट्स। टर्नरी लिखो, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, इक्वल टू लिख लेना थ्री कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट। अब तीन कंपोनेंट में दो सॉल्यूट होंगे और एक, तो दो सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट, ऐसे करके लिख लेना टर्नरी कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब थ्री कंपोनेंट, दो सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल आपने खुद ही दिया, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट शुगर एंड वाटर। अगर उसमें नींबू डाल दिया तो कितने हो जाएंगे वो? क्वार्टनरी। नींबू सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूट होगा? सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में ही है, स्टेट तो चेंज नहीं हुई है। नींबू में चीनी डिजोल्व हो सकती है? क्यों नहीं होगी? अच्छा, खट्टा खाने का जब तुम्हारा मन करता है तो उसमें नमक डाल के, नींबू रस निचोड़ा, उसमें थोड़ा नमक डाल के और फिर पी लिया, ऐसा होता है ना? नहीं करता किसी का खट्टा खाने का मन? अच्छा एक बात बताओ, शुगर सॉल्यूशन, सिकंजी बनाई हमने, मसालेदार सिकंजी बनाई, मसाला डाला, नमक डाला, नींबू डाला, शुगर डाला, पानी डाला, कितने कंपोनेंट्स हो गए? जितने कंपोनेंट्स, अगर दो हैं तो बाइनरी, तीन है तो टर्नरी, लिख लिया टर्नरी, चार होंगे तो सिंपल है यार, लिख, उतना बढ़ता चला जाएगा मामला। तो क्वार्टनरी लिख लो, क्वार्टनरी, चार कंपोनेंट। अब चार कंपोनेंट में कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, वो तुम देख लेना ऑन द स्पॉट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बाइनरी। बाइनरी में कितने होते हैं? कौन कौन से? एक सॉल्यूट, दूसरा, हाँ याद रखना। तो क्वार्टनरी में अपने चार कंपोनेंट्स हैं, इतना याद रखेंगे, फोर कंपोनेंट्स। यहां तक क्लियर है सभी को? अरे हाँ कि ना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ ये क्या है? चीनी। सॉल्यूट या सॉल्वेंट? पक्का ना? तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ये तो सब बताने की जरूरत नहीं। ये क्या है? सॉल्वेंट। वॉटर है, वॉटर इज अ सॉल्वेंट। लिखेंगे इफ वॉटर इज अ सॉल्वेंट, इफ पानी इज द सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन अगर कभी भी बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक हो जाएगा? पानी सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। लिखो फटाफट से, आया मैं एक मिनट में। देखिए इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कभी तुमने मेकअप किया है ना? अरे रहन दे, साबुन से धोता है ना, तो मेकअप है तेरे लिए। रिन रिन भी एक अच्छा मेकअप। अब मेरी बात तो सुनो, आजकल मेकअप वैसे आ गए हैं, क्या बोलते हैं उसे, वाटर प्रूफ, कि मुंह धो तो नहीं डिजोल्व नहीं होता। अब हमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, उसमें दो टॉपिक्स पढ़े थे, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जो वाटर की तरह वो बैंड शेप हो, नॉन पोलर वो होता है, कौन सा होता है नॉन पोलर, समझ गए ना तुम, जिसमें सारी डाइपोल मोमेंट्स कट जाती है। एग्जांपल बताता हूँ, CCl4 नाम याद है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बना था। अरे हाँ कि ना यार। तो इसका अगर हम डायरेक्शन बनाए, कैसे डायरेक्शन बनाए, कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार? तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? और अगर ये नॉन पोलर है, और अगर मान लो कोई चीज मैंने CCl4 में डिजोल्व कर दी, तो पता क्या है, वो
वो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डिजोल्व किया था वो, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया था वो, समझ में आ गई। अगर मान लो बेंजीन को जानते हो, बेंजीन रिंग तो बार बार पढ़ा था तुम लोगों ने, बेंजीन भी क्या है हमारा, तो अगर इसमें कुछ डिजोल्व हो रहा है तो वो क्या होगा, समझ में आ गई ना, लिखो फटाफट से। नॉन एक्वस वाले में सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, नॉन एक्वस वाले में सॉल्वेंट इज नॉन पोलर। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, CCl4, जिन बच्चों को पता नहीं है तो ये बना लेना, 11th क्लास जब हम करेंगे तब समझ आ जाएगा। देखो 11th में कहते थे ना मैं 12th में समझ में आएगा, और 12th में कह रहा हूँ कि 11th दोबारा करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा बेंजीन का, ऐसे कह के हमें 11th 12th पास आउट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर कॉलेज में जाओगे तो वो कहेंगे कि तुमने 11th 12th में तो पढ़ ही रखा होगा, क्या ही पढ़ना है। तो दो एग्जाम्पल लिखे और भी एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा, आगे चलते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बता दोगे, अभी जो सॉल्वेंट है इस सिचुएशन में इसके अंदर वो क्या है, वाटर है, वाटर मतलब पानी, मतलब कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे समझिए, इसके अंदर हमने ये शुगर को इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बनने वाला है, एक्वस सॉल्यूशन बनने वाला है। तो सॉल्यूट क्या लिखवाया था, सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इन विच डाइसोल्यूशन टेक प्लेस, ये लिखवा चुके हैं हम, समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे चैप्टर में ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, कौन सी चीज किस में डिसॉल्व हो रही है, जो डिसॉल्व होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसमें डिसॉल्व होगा वो, ये दो बातें याद है, चैप्टर अपना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में जो बेसिक चीजें हमें लिखनी है वो ये लिखनी है कि इसका जो साइज का पार्टिकल होता है, देखो जब आप चीनी चीनी शुगर को देखा तुम लोगों ने, अरे हाँ कि ना यार, शुगर वो क्रिस्टल की तरह होता है, वो दिखता है, हाथों में भी पकड़ सकते हो, लेकिन जब वो डिसॉल्व होता है वो डिसअपियर हो जाता है, दिखाई नहीं देता, कहाँ जाता है वो। एक्चुअली में जो शुगर के क्रिस्टल के जो पार्टिकल है, सुक्रोज जिसमें फॉर्मूला होता है, उसका साइज जो है, अच्छा एक बात बताओ ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, मैंने क्या किया, ग्लास लिया, ग्लास में चीनी डाला, चीनी डाल के उसे डिसॉल्व करा, डिसॉल्व करने के बाद छन्नी ली और उसे मैंने फिल्टर किया, जो घर में छन्नी होती है फिल्टर होता है, क्या लगता है चीनी अलग हो जाएगी पानी अलग हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, बोलो यार ऐसा होगा क्या, क्यों, वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, चाय की पत्ती मैंने पानी में डिसॉल्व कर दी, समझना जो कलर निकलना था निकल गया, फिर चाय से चाय की छन्नी से छान रहा हूं, चाय की पत्ती ऊपर रुक जाएगी ना, इसका मतलब उसके पार्टिकल साइज बड़े थे, जो नीचे आ गए, जो कुछ देखा होगा तुमने चाय की तलहटी में, जब हम चाय पीते हैं और चाय की छन्नी के जो छेद बड़े होते हैं तो नीचे तलहटी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चाय के, तो वो साइज बड़े हैं तो वो ऊपर रहेगा, छोटे हैं तो वो नीचे रहेगा, सिंपल से सॉर्टेड है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन कितना होता है, 1 picometer, या फिर हम कह सकते हैं 1 nanometer, कितना, 1 nanometer से या 1 picometer, कुछ भी याद रखना, 1 nanometer से, 1 nanometer से छोटा होता है। नैनोमीटर समझते हो आप लोग, बताया था आप लोगों को, 1 nanometer का मतलब बता रहे हो आप 10^-9 meter, यानी 1 meter को 10^9 से डिवाइड कर दो, उतना छोटा होता है। तो ये फिल्टर पेपर से आसानी से पास आउट हो जाएगा या फिल्टर पेपर के ऊपर मिलेगा तुम्हें, पास आउट हो जाएगा, अरे हाँ कि ना, ऊपर नहीं मिलेगा, फिल्टर जो साइज है ना, जो छन्नी की साइज है छेद की, वो 1 nanometer को होल्ड नहीं कर सकता, वो पास आउट होने देता है। क्लियर ये बात, तो लाइन लिखेंगे सोल्यूशन पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 nanometer, लिख लेना 1 nanometer, That is 10^-9 meter। अब एक बात बताओ, अगर ये 1 nanometer से छोटा है तो फिल्टर पेपर पे रहेगा नहीं, इट कैन बी पास थ्रू दी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आपके लैब में मिल जाएगा। देखिए बच्चे कंक्लूड करते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है और उसके पार्टिकल का जो साइज है वो कितना है, लेस देन, और वो आसानी से फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो इतने छोटे होंगे कि हमें दिखाई भी नहीं देते, इवन दो नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखे तो भी हमें पार्टिकल दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे होते हैं और वो डिसॉल्व हो चुके होते हैं। If you want to find, मतलब इतने छोटे होते हैं कि
वो दिखाई ही नहीं देगा, और अगर तुम चाहते हो कि इसे फिल्टर कर सको, फिल्टर करके अलग कर सको, तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने सैंड पार्टिकल को मिक्स कर दिया मिट्टी के अंदर, तो एक पतली सी जाली से अगर मैं उसे छानूंगा तो सैंड ऊपर आ जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, होता है ना ऐसा। लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। होमोजीनियस का मतलब वो अच्छे तरीके से मिक्स है, उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक लाइन और लिखेंगे, दे कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। हाँ, एक ही बात है, लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। दे कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। क्या यहां तक सारा समझ में आ गया? पक्का ना? कल यही सब पूछने वाला हूं मैं तुम लोगों से। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास स्क्रीन पे एक वीकर है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, पूरा भरा हुआ है, कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, अब यहां पे हम समझते हैं फिजिकल स्टेट किसकी चेंज होती है, द फिजिकल। अच्छा ठीक है, पूरा भरा हुआ बाद में करते हैं इसमें, अभी आओ। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेम। क्या मतलब है इसका? जब हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन था? वॉटर। और शुगर सॉल्यूशन भी वाटर में, लिक्विड से, वाटर नहीं, लिक्विड स्टेट में था। वाटर भी लिक्विड स्टेट में था और वो भी हमारा लिक्विड स्टेट में था, दोनों लिक्विड लिक्विड स्टेट में थे। लाइन लिखेंगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर द सेम। आर दी सेम, एक बात हो गई। दूसरी बात, किसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है? लिखेंगे, इफ सॉल्यूट इन सॉलिड स्टेट देन इट्स फिजिकल स्टेट विल बी चेंज्ड। देन इट्स फिजिकल स्टेट विल बी चेंज्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लिख रहा है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से, सेपरेट नहीं हो सकते। जब घुल गया तो घुल गया, डिसॉल्व हो गया, है ना? अरे हाँ कि ना यार। चलो जी, फिल्टर पेपर से तो साफ नहीं हो गया। मैं ये पूछ रहा था, ये क्या दिखेगा तुम्हें? ऑप्टिमिस्ट का मतलब जानते हो? एक फन वे में बताए, ऑप्टिमिस्ट नहीं पता तुम्हें? अबे गरीब हो, इंग्लिश आती नहीं है तुम्हें। अच्छा ये पढ़ के बताओ, ऑप्टिमिस्ट क्या देखना चाहता है? द वीकर इज हाफ फुल। ऑप्टिमिस्ट ये देखेगा कि ये जो वीकर है वो आधा भरा हुआ है, समझ गए? अच्छा ये लिखना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है? खुश रहेगा वो, खुश खुशनुमा बंदा है, उसे क्या दिख रहा है कि ये बीकर ना आधा भरा हुआ है। जैसे किसी के घर पे गए तुम और तुम्हें किसी ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी, और कोल्ड ड्रिंक जिस ग्लास में ऑफर करी उस ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक आधी थी, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? सबसे पहले आधा खाली है। तो तुम ये भी तो सोचो, जो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं था, घर पे लोग सिकंजी पिला के भेजते थे, वो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दे रहा है और वो भी आधा ग्लास दे रहा है। तो ऑप्टिमिस्ट का ये काम है कि वो खुशी ढूंढना, जैसे चंदन सर हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, समझ रहे हो? अच्छा एक और क्या ढूंढी नहीं उन्होंने, चेन्नई में जाके इतना खुश रहे सर। अच्छा पेसिमिस्ट क्या करता है? गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। पेसिमिस्ट क्या करता है? कमियां ढूंढता है। अरे जैसे इसने बोला ना कि अरे यार ये तो आधा ग्लास खा लिया, द वीकर इज हाफ एम्प्टी, है ना? लेकिन यही ऑप्टिमिस्ट, ये रोती हुई, देखो पेसिमिस्ट है ये। अब एक बात बताओ, अल्पाइनर अगर कोई होगा तो वो क्या देखेगा इसके अंदर? पूरा भरा हुआ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो, समझ रहे हो तुम बात को? तो वो सॉल्यूशन समझेगा इसको, वो भरा हुआ खाली वो सब नहीं देखना उसे। तो उसका दिमाग ये लगेगा कि इसके अंदर वाटर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो, ये सारी गैस इसमें मिली हुई है। कोई ये सोचा नहीं तुमने? अरे यार चलो कोई नहीं, बनाऊंगा मैं तुम्हें अल्पाइन, टेंशन ना लो। आगे चलते हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अच्छा बताओ कितनी फिजिकल स्टेट होती है? तीन होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। इन तीनों को कंबाइन करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर?
नाइन। तो कितने टाइप्स के हो जाएंगे ये? नाइन टाइप्स के। टाइप्स ऑफ, दीज आर द नाइन टाइप्स। पहला क्या होगा, देखो फटाफट से देखो, गैस इन गैस हो जाएगा एक, एक गैस इन लिक्विड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अभी लिखो मत ये, मैं इसकी टेबल बनवा दूंगा, अभी समझ लो, गैस इन सॉलिड हो जाएगा, तीन तो यही हो गए, और क्या हो सकता है बताओ, लिक्विड इन, और दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, और उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, लिखो मत मैं टेबल बनवाऊंगा, और ये क्या है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड, तो नो होगा ये टोटल, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल बताओ, गैस इन गैस में सॉल्यूट कौन होगा ये बताओ, गैस होगी, और सॉल्वेंट भी कौन होगा, तो दोनों चीजें गैस इन गैस होगा, और वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी वो भी किस स्टेट में रहेगी, गैस में। एग्जाम्पल बता सकता है कोई बच्चा, एयर, एयर हवा में कौन कौन सी गैस होती है बताओ, सारी होती है, बट मिनिमम हमें दो बतानी है क्योंकि बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो कौन सी है वो, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, अगर तीसरा आर्गन भी बताया तो वो टर्नरी हो जाएगा, हमें कौन सा पढ़ना है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल बताओ, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, सोडा वाटर, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, किस स्टेट में रहेगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा, ये समझ में आ गया। एग्जांपल बता रहे थे तुम लोग, जैसे ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी, इसकी वजह से ये फिश वगैरह जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं या फिर जो फिश वगैरह है वो सब इसके अंदर जिंदा रह पाते हैं। ये जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर 6 मिलीग्राम लीटर, ऊपर ज्यादा है, नीचे जाने पे कम हो जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व गैस। अच्छा आगे चलते, और एग्जांपल रियल लाइफ का एग्जांपल बता रहे थे, कोल्ड ड्रिंक है ना, कोको कोला, मन कर गया मंगवा दूं, मैं मंगवा देता हूँ सब, एक एक ग्लास कर लेंगे या दो, दो ग्लास ठीक रहेगा वैसे, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक के अंदर है ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या है बताओ, कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड है और गैस कौन सी है, CO2। अच्छा एक बात होता, कोल्ड ड्रिंक हमने घर पे खोली और सबको सर्व कर दिया, और वो मेहमान शर्मा रहा है कि अरे नहीं नहीं अरे भाई साहब बात बात कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद लेंगे, तो उसमें किसका नुकसान है, मेहमान का, कैसे, गैस निकल जाएगी। इसके अंदर टेस्ट किस चीज का आता है, CO2 का, है ना, अगर CO2 ही निकल जाएगी, कभी कभार तुमने देखा होगा ढक्कन खोली सारा CO2 निकल गया, क्या टेस्ट आता है, अगर 3-4 दिन पुरानी बोतल है मीठा पानी लगता है। इसीलिए जब भी कोई मेहमान आता है तो तुम्हारी पहली ड्यूटी क्या बनती है कि जा 100 रुपए ले जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आइयो, ऐसे ही होता है ना, तो तभी के तरह मंगाते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि घर पे रख रखा है, घर पे रखने का मतलब वो सिकंजी बना के दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्या छोड़ो, गैस इन लिक्विड हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, गैस इन सॉलिड का मतलब गैस को सॉलिड में मिला दिया हमने, गैस हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा, गैस। तो ये बात समझ, सॉल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट इज सॉलिड स्टेट। तो एग्जाम्पल बताओ, हमने रिएक्शन करी थी 11th क्लास में, हाइड्रोजनेशन याद होगा, तो हाइड्रोजन को प्लैटिनम प्लैटिनम पे डालते थे, याद आ रहा है कुछ, मैं रिएक्शन लिख के दिखाऊं ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे देख लो, अभी समझ लो, ये जो सरफेस है ये आयरन की सरफेस है, या सॉरी प्लैटिनम की सरफेस है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन आया है, नाइट्रोजन आया है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मिलने से क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो ये किसी सॉलिड सरफेस पे अगर किसी गैस की रिएक्शन करानी है तो इनका मिक्सचर बनता है कुछ टाइम के लिए, डिटेल में नहीं जाते हम, आगे चलेंगे। देखिए प्लैटिनम कुछ दिखता है ऐसा है, काली मिर्च की तरह, खा मत लेना इसे, आगे चलते हैं। क्या है हमारा बच्चा बताओ फटाफट से, लिक्विड इन, कहां देखा है लिक्विड इन गैस, लिक्विड में सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है। मुझे बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड इन गैस यानी कि लिक्विड होना चाहिए और गैस में मिलाना है। अब तुम समझदार हो, क्लोरोफॉर्म, इसका एक डेडली कॉम्बिनेशन है ओमनीवैन के साथ, लिक्विड स्टेट में होता है, रुमाल पे डाला, हवा में मिक्स हुई, और फिर तुम समझदार हो, क्लोरोफॉर्म को हमने नाइट्रोजन के साथ मिलाना है। नाइट्रोजन देखिए तुम लोगों ने, अरे यार वो आइसक्रीम में डालता नहीं है वो लिक्विड सा, वो ठंडा ठंडा हो जाता है, खाई भी होगी तुम लोगों ने। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लिक्विड इन गैस, ठीक है। चलो जी आगे चलते, लिक्विड इन, ये तो तुम्हें पता ही है, अभी तो बताने की जरूरत नहीं, लिक्विड इन लिक्विड इन, एग्जाम्पल क्या आता दिमाग में से पहले, दारू में पानी, सर मुझे पता था, ये सारे नशेड़ी बैठे हुए हैं, लिक्विड इन लिक्विड का मुझे पता है, सबको पता होगा, दोनों चीजें लिक्विड एंड लिक्विड है। किसी की फिजिकल स्टेट चेंज हुई क्या, पहले वो लिक्विड था बना भी वो लिक्विड ही, एक्वा सॉल्यूशन बोल देंगे इसे क्योंकि यहाँ पे पानी मिला रहे हैं, अरे वाह, ठीक है। अब ये अल्कोहल को वाटर में मिलाया हमने, ये अच्छा एग्जांपल था अल्कोहल, वोट का कौन पीता है ये बताओ,
वोडका पानी में मिला के पीना चाहिए या बिना पानी मिलाए पीना चाहिए? ज्यादातर वोडका लड़कियां पीती है ना, मैजिक मूवमेंट ये ब्रांड है, कोई ब्रांड। अच्छा, वाटर में मिलाते नहीं है, पर मान लो मिला दिया, वोडका पीने से क्या बीमारी हो सकती है? इससे आपके किडनी खराब हो जाएंगे। बायो क्यों पढ़ा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बताऊंगा ना। वोडका पी रहा है, पीने के से देख ले किडनी खराब होगी, समझ तो होगी ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बताना। ये थोड़ा ना कि सर आपने तो बताया था, मैं तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके बैठा हुआ हूँ। मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, रम देखा तुमने, इसे बहुत कुछ गायब हो जाता है, जैसे खांसी, घर और बीबी, मतलब सॉरी वो अलग चीज है। वाटर के साथ रम मिलाया हमने, क्या बना, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? ये भी गुर्दे को खराब कर देते हैं, इंजरस टू द किडनी, तो ये भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है बताओ, बोतलें तो किस चीज की है? विस्की की। पहचान है लड़के को, ये लड़की होते हैं। ठीक है, जैक डैनियल्स की विस्की है, वाटर मिलाया, पानी मिलाया, विस्की के साथ क्या होगा? अच्छा, विस्की पीने से भाई दिल में खराबी आ जाएगी, समझ रहे? कोई और ले गया है, इसी बैम में जी रहा है ये, इसका दिल भी वो तीर वाला होगा, ऐसा होता तेरा दिल, देख ले गंदा क्या है, बढ़िया इसमें धड़कने हैं, इसमें कोई और रहता है तेरे हैं? ये देखो, ये होता है दिल। तुम कैसा बनाते हो? पान का पत्ता है ना, यही है क्या? कैसा है ये? ऐसे बनाया करो कि मेरे किसी को ये वाला सिंबल बना के भेज दो, बोल दो कि तुम मेरे इसमें रहती है, फिर बाद में बोलना ट्रेसिंग ये थी, तो गलत है ना भाई, वो तो गलत है, तो गलत है। चलो बस ठीक है, तो इस दिल की खराबी विस्की से हो जाती है, तो विस्की पीनी नहीं चाहिए वैसे तो। अच्छा ये एक और है भाई, जिन। जिन पता है तुम्हें क्या होता है? इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मार्केट में अवेलेबल है। इसके पीने से ब्रेन ही खराब हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? पूर्वजों में से जो हमारी माताएं बहनें थी, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कभी पी होगी, जिसका असर आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है, दिमाग ही खराब हो रखा है। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड एग्जांपल बताइए प्यारे बच्चों। लिक्विड एंड सॉलिड में क्या होगा हमारे पास? लिक्विड हमारा लिक्विड इन सॉलिड, सीमेंट में पानी, पर वो होमोजीनियस नहीं हुआ ना, वो तो हिट्रोजीनियस हो गया। ऐसी चीज होनी चाहिए जो डिजोल्व हो जाए तो पता ना चले, दिहाड़ी मजदूरी करता है तो बता देता। ये है FeSO4.7H2O, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, दोनों मिल गए, तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा तुम्हें एक और एग्जाम्पल बता, तो तुमने देखा भी है शायद उसको, CuSO4.5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट, किस कलर का होता है, समझ में आ गई बात? अच्छा एक और बात बताओ, अमलगम जानते हो आप लोग? अमलगम क्या होता है? कोई भी चीज मरकरी के साथ मिलेगी, सोडियम सॉलिड होता है, सबने देखा है, सोडियम को मरकरी में डिजोल्व कर दो, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके एक वीडियो भेजूंगा तुम्हें मैं, वो देखना तुम। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये किस चीज का एग्जांपल है? लिक्विड इन सॉलिड, कैम्फर वेपस इन नाइट्रोजन। ये बताओ, कैम्फर हो गया सॉलिड, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया ना ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हो, स्लाइड में पीछे दिखा रखी है, चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं हम। एक आयोडीन इन CCl4 है, ये क्या है? आयोडीन इज ऑल्सो सॉलिड, CCl4 इज पोलर और नॉन पोलर, तो समझ में आ गया पूरा।